প্রত্যেকটা মুহূর্তে বর্ণময় ছবি। আজ রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা এই মুহূর্তে আবারও সরাসরি চোখ রাখবো অযোধ্যা নগরীতে। খুব মজা আয়েগা দেখনে কি। মানে চাহতা হুঁ কি এক ইয়া দো নাহি রামজি কে কাই রূপ হাম দেখতে রহে। रामलला की मंदिर की कल प्रतिष्ठा है, कल रामलला का मंदिर हो जाएगा, सब सब उसके लिए जाना है। कैसी लगी अयोध्या, कैसा लगा रामलला का पूरा भव्य? बहुत भावुक सा समय है। खुशी तो हो रही है कि पूरा देश में, पूरे देश नहीं दुनिया भर में जहाँ जहाँ सनातन धर्म फैला हुआ है वहाँ वहाँ एक हर्षोल्लास का उत्सव है, महोत्सव है, जो लहर है। और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम इसको देख पा रहे हैं। हमें ईश्वर ने चुना है एक ऐसे युग में पैदा होने को जहाँ इतना बड़ा एक टर्न ऑफ इवेंट हो रहा है और हम इसको देख पा रहे हैं। और मैं तो उन भाग्यशाली लोगों में से हूँ जिसे आमंत्रित किया गया है। एक आम देशवासी जो आमंत्रित भी नहीं हुआ है वो भी अपने घर में पटाखे जला रहे, लाइट जला रहे, दिए जला रहे। हमारे घर में हमने अपने, मैं तो हूँ नहीं घर में, लेकिन मेरे घर में अभी हमने कल से रात से लाइटें लगवा दी हैं जैसे हम दिवाली में लगाते हैं। तो बहुत अच्छा अच्छा माहौल है और अंदर से थोड़ी भक्ति का भी अनुभव हो रहा है, भावुक भी अनुभव हो रहा है और एक अलग अलग किस्म की एनर्जी ऊर्जा है हमारे घर। भाग्यशाली मान रहे हैं हम, थे कई लोग हैं जो आमंत्रित हुए लेकिन उन्होंने यहाँ ना आना स्वीकार किया, कहा कि कल नहीं आएंगे, फिर कभी देखा जाएगा। उनका उनका सोचना जायज़ है, उनको चेकमेट कर दिया गया है, उनको चेकमेट कर दिया गया है, उनको कह दिया गया है कि आप आइए, पर वो आएंगे तो भी मुश्किल हो जाएगी, नहीं भी आएंगे तो भी मुश्किल हो जाएगी। तो ये राजनीति में ऐसे होता रहता है, तो मैं उनको पूरा दोष नहीं दूंगा। मैं जानता हूँ कि राजनीतिक दृष्टि से उनको मोदी जी ने चेकमेट कर दिया। टेंट में जो रामलला विराजमान थे वो आज शाम को आरती, हम बात करें तो शाम की आरती के बाद वो अपने नए मंदिर में आके विराजमान होंगे जो टेंट पर विराजमान। हाँ, मैं देख चुका हूँ, मैं 2-2.5 साल पहले आया था यहाँ पे, तो मैंने देखा था, दर्शन किए थे मैंने वहाँ पे। मुझे पता नहीं क्या कल कैसा एहसास होगा जब हम देखेंगे वो भव्य मंदिर अंदर से, जब हमें दर्शन करने का मौका मिलेगा। मुझे पता नहीं क्या होगा, तो मैं बस अभी उतना ही अचंभे में हूँ और उतना ही जितना आप लोग सभी होंगे इस समय। थैंक यू।